हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। इसके टॉपिक है अलार्म किस प्रकार से सेट करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स मेरे पास है और मोटो का फोन है। फ्रेंड्स यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉक ऐप ओपन करना है। यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्लॉक इन सब पे क्लिक करते हैं, अलार्म पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ देखते हैं प्लस का आइकन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे, जैसे कि 6 AM का सेट करना होता है। इस तरीके से AM PM कर सकते हैं और ये मिनट सेट करने का ऑप्शन है। जब 6 पे क्लिक करते तब ये मिनट इस तरीके से सेट कर सकते हैं एंड ओके पे क्लिक करते तो आपको इस तरीके से टाइमिंग सेट और ये हुआ था हमारा रिपीट, यानी कि दिन का आप अलार्म सेट करके रखना चाहेंगे वो सेट करेंगे। मैं सब पे सेट करी, यानी एवरी डे रखना चाहूँगी मैं। एंड इस डायल पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जैसे रिंगटोन होता है जो पसंद आता है इनमें से आप सेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे साउंड होते हैं इसमें फ्रेंड्स। एंड जो भी आपको अच्छी तरह से आता है, बहुत अच्छा लगता है, वो साउंड यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला साउंड पसंद है, इसके बाद बैक कर देंगे। बैक करते आपका इस तरीके से साउंड सेट हो जाता है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला साउंड आपको पसंद है एंड इसके बाद फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आती तो आप फाइल में सेट कर सकते हैं, अगर आपने और मतलब म्यूज़िक ये सब डाल रखे हो तब। एंड म्यूज़िक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे है, अगर आपने डाउनलोड कर रखा हो तभी आप कर सकेंगे। एंड जैसे मुझे ये वाला साउंड पसंद आया, इसके बाद बैक करेंगे। बैक करते आपका इस तरीके से टाइम मतलब रिंगटोन चेंज हो सेट हो गया। अगर वाइब्रेशन टिक है तो टिक कर देंगे एंड सबको सेट करने के बाद एरो पे क्लिक कर देंगे। अब ये अलार्म सेट हो गया। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।